तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले सवाल को अगर देखा जाए कि एक सीरीज LCR सर्किट है, ये जो डिफ़िकल्ट लेवल में सवाल आता है, ठीक है ना। तो 2021 में आया था, ये सीरीज LCR सर्किट है जिसमें इंडक्टर जो है 5 हेनरी है इंडक्टर, और 80 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है, 40 ओम का रजिस्टर है, कनेक्टेड टू 200 वोल्ट वेरिएबल AC फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिजोनेंट सोर्स, एड्यूस द पावर ट्रांसफर टू द सर्किट इज हाफ टू पावर ऑफ रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी आर लाइकली टू बी। ये कहता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा निकालो, एट विच द पावर ट्रांसफर टू द सर्किट इज हाफ टू द पावर एट विच रिजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी। मतलब जो है पावर ट्रांसफर हुआ ओमेगा निकालो, जिस पे पावर जो है रिजोनेंस का आधा है, हाफ ट्रांसफर। मतलब यहाँ पे तुम देखोगे, अगर तुम यहाँ देखोगे कि इसको बोलते हैं यहाँ से हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, मतलब यहाँ से अगर मैं करंट और यहाँ से ओमेगा के बीच अगर एक प्लॉट बनाऊँ, ग्राफ बनाऊँ, तो वो ग्राफ कुछ ऐसा आता है, ठीक ना, ऐसा आता है, इस टाइप का ग्राफ आप पढ़े होंगे। तो जिस फ्रीक्वेंसी पर यहाँ से ओमेगा निकालो, इट इज़ पावर ट्रांसफर टू द सर्किट इज़ हाफ। तो यहाँ से जो यहाँ से वो तुम देखोगे तो ये है, यहाँ पे 2 ओमेगा होता है जिस पे पावर हाफ ट्रांसफर होगा। ये एक ओमेगा यहाँ से, ये ओमेगा 1, और एक ओमेगा यहाँ से, दैट इज़ ओमेगा 2, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो यहाँ से 2 ओमेगा होता है जिस पे हाफ पावर होता है, पॉसिबल है। और ये यहाँ से जो टॉप, ये जिस पे जो है करंट मैक्सिमम है, वो उसको रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी ओमेगा 0 बोलते हैं। और ये ओमेगा और ओमेगा 2 के बीच को जो डिफरेंस है, उसको हम बैंड विथ बोलते हैं, बैंड विथ BW, जिसकी वैल्यू होती है R/L। आर यहाँ से दिया हुआ है, आर कितना है देखो, आर यहाँ पे 40 और एल यहाँ पे 5 दिया है, तो दैट इज़ बैंड विथ 8 आ जाएगा यहाँ से। तो दिस इज़ द बैंड विथ। अब यहाँ से ये वाली जो चीज़ है ओमेगा, ये जो चीज़ है, दिस इज़ बैंड विथ की आधा है, मतलब बैंड विथ BW/2। और ये वाली जो चीज़ भी है, ये वाली जो सेपरेशन है, वो भी बैंड विथ की आधा है। तो यहाँ से जो ओमेगा 1 है, ओमेगा 1 को निकाल सकते हो, ओमेगा 1 की डायरेक्ट इक्वेशन लिख सकते हो, ओमेगा नॉट यहाँ से लेके यहाँ ओमेगा 1, और माइनस माइनस बैंड विड्थ का आधा घटा दोगे तो ओमेगा 1 आ जाएगा, और ओमेगा 2 की जो वैल्यू आ जाएगी ओमेगा 0 प्लस बैंड विड्थ की आधी आ जाएगी इतना। या यहाँ से तुम ओमेगा 1 इजिक्वल टू ओमेगा 0 और माइनस यहाँ से तुम देख रहे हो बैंड विड्थ की आधी, बैंड विड्थ की आधी मतलब यहाँ से 4, और ओमेगा 2 की जो वैल्यू आएगी ओमेगा 0 और यहाँ से प्लस यहाँ से 4, ठीक ना, बैंड विड्थ की आधी मतलब यह आ जाएगा, ये पूरा 8 था तो 4। तो अब कुछ नहीं करना है यहाँ ओमेगा 1 ओमेगा 2 निकालने के लिए, सबसे पहले मुझे ओमेगा 0 की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो देखो ओमेगा 0 की कैलकुलेशन कैसे किया जाए, ओमेगा 0 रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी, आप सबको पता होगा कि ओमेगा 0 रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी 1/LC√ होता है, ठीक है ना। आई होप कि आपके फार्मूला पता होगा, 1/L, एल की वैल्यू यहाँ से 5, एल की वैल्यू देखो 80, यहाँ से 80 माइक्रो, तो 80 × 10^5 -6 और यहाँ से 5, ये सब अंडर रूट। तो यहाँ से तुम देखोगे 1/40 और 400 और × 10^5 -6, तो इसको कैलकुलेट करते हैं एक बार, देखते हैं कितना आता है। तो 1/ यहाँ से 2 बाहर आ गया, और यहाँ से 10^5 -6, ये 1/2 अंडर रूट रह गया, ठीक ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 1/ यहाँ से 10 और यहाँ से 2 आ गया, और ब्रैकेट में 1 + 1/2 की पावर यहाँ से 4/2 आ गया, मतलब 2 कट गया,
और 100 100 बाई 2, दैट इज यहाँ से 50 50 रेडियन आ गया, ठीक है ना, रेडियन पर सेकेंड, दैट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। तो ओमेगा नॉट तो मुझे पता चल गया, तो जब ओमेगा नॉट पता चल गया तो मुझे ओमेगा वन पता चल जाएगा, तो ओमेगा वन की वैल्यू आ जाएगा 50 माइनस 4, 50 माइनस 4 दैट इज 46 यहाँ से रेडियन पर सेकेंड आ जाएगा, और जो ओमेगा टू आ जाएगा वो 54 यहाँ से आ जाएगा रेडियन पर सेकेंड। तो एक आ जाएगा 46 और एक आ जाएगा 54, दैट इज़ यहाँ से तुम देखोगे तो थर्ड ऑप्शन अपना सही हो जाएगा यहाँ से। तो आई होप कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा।